मस्जिद प्रेसिडेंट का हुआ इलेक्शन। कुतुब शाही मस्जिद छोटी मस्जिद मुरादनगर में दो उम्मीदवारों के दरमियान इलेक्शन हुआ। मुकामी लोगों के मुताबिक इस मस्जिद के लिए लोग तब्दीली चाह रहे थे, जिसके चलते दो उम्मीदवारों के दरमियान इलेक्शन करवाया गया, लेकिन इसमें जीत साबिका प्रेसिडेंट को ही मिली है। जनाब अहमद खालिद खान जो साबिका में इस मस्जिद के सदर थे, उन्हीं को इस बार भी कामयाबी मिली है। आइए देखते हैं इसकी मस्जिद दूसरा। हाँ, मेरा नाम अहमद खालिद खान है। मैं इस मस्जिद की गुज़िश्ता 20 साल से सदारत कर रहा हूँ। अब हमारे उस्ताद मोहतरम मरहूम खारी मोहम्मद अब्दुल अलीम साहब के इंतकाल के बाद मैंने चार्ज लिया था, लेकिन चूँकि मुसलसल मैं काम कर रहा हूँ इसलिए लोग चेंज चाहते थे, कुछ लोग से इसी वजह से इलेक्शन कराया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन में हजबे मेरे अंदाजे के मैं ही जीता हूँ, और इसमें तकरीबन 450 लोग थे वोट देने वाले, जिसमें से 265 मुझे आए और हमारे साथी को 68 वोट आए जनाब अनीस साहब को। लेकिन ये सब कुछ तो ऐसी बात नहीं है, मस्जिद है ये, यहाँ पर ऐसा होता है और जहाँ सब मिलकर एक साथ काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। मैनिफेस्टो में लिखा गया है ये करने का नहीं है, करते आए हैं। गुज़िश्ता कई सालों से मुझे काम हो रहा है, बेवाओं को तकरीबन 200 बेवाओं को माना 700 रुपये तनख्वाह पेंशन दी जाती है। गरीब लड़कियों की शादी के सिलसिले में करीब 6000 रुपये शादी के वक्त उनको दिए जाते हैं, और फ्यूनरल्स गरीब जिन अमवात लोगों के अमवात पर उनको भी तकरीबन 6000 रुपये दिए जाते हैं। अलावा उसके एक हमारे मस्जिद के बैतुल माल से एक दवाखाना कायम किया गया है, जहाँ सिर्फ मामूली फीस 30 रुपये लेकर बग़ैर मुफ्त की दवाएं, मामूली किस्म की जोएं दी जाती हैं। उससे बढ़कर कुछ है तो उसके लिए 50% दवाओं की कीमत ली जाती है, और जहाँ काबिल डॉक्टर हैं, एमडी है लड़का वो जो वहाँ पर देखता है, और दूसरी सहूलियत भी हासिल है, और उसमें अलबत्ता इम्प्रूवमेंट का इरादा है आगे चल के किसी को।